दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के द्वारा एक पिकअप जिसमें पशु लदे थे उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसका पीछा किया गया। पिकअप सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस की टीम जो पीछा कर रही थी उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसाए गए व पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी गई, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई व नाले में पलट गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का कायम किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान आसिफ व इसके 7 अन्य साथी प्रकाश में आए थे। दिनांक 2 अक्टूबर को रात्रि तकरीबन 9:30 बजे कमलापुर तिराहे के पास एक मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये मोटरसाइकिल सवार ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी और बैरी नहर पुलिया की तरफ भागने लगा। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया तो बैरी नहर से आगे जाकर ये मोटरसाइकिल स्लिप हो गई व इसमें सवार व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षात व नियंत्रित फायरिंग करी, जिसमें आसिफ नाम के व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, इसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रवाना कर दिया गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति द्वारा ये कबूला गया कि इनके द्वारा पशु की तस्करी की जाती है और 22 सितंबर को भी ये पशु लेकर भाग रहे थे। इसके अलावा इसके द्वारा 13 अगस्त को एक लूट की घटना कबूली गई है। पुलिस टीम को अच्छे कार्य के लिए इनाम की संस्तुति की गई है।